संजय कुमार गुंसारिया, सरस्वती विद्या मंदिर, रामपुरा। तो हम रासायनिक अभिक्रियाओं के बारे में पढ़ रहे थे। रासायनिक अभिक्रियाओं में हमने दो प्रकार के परिवर्तन पढ़े, भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन। रासायनिक परिवर्तन किस प्रकार से संपन्न होता है उसके चरणों के बारे में पढ़ा। अब आप पढ़ देखते हैं रासायनिक समीकरण द्वारा ये होता है। तो रासायनिक अभिक्रिया होती क्या है? रासायनिक अभिक्रिया किसी पदार्थ में रासायनिक परिवर्तन होने पर वह अपने मूल पदार्थ जो है उससे रासायनिक गुणों में और संगठन में भिन्न हो जाता है, तो ये घटना रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। या यूँ कहे कि किसी पदार्थ में रासायनिक परिवर्तन होना ही रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। अब इसमें अभिक्रिया के दौरान अभिकारकों से उत्पाद का निर्माण होता है। किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारकों से उत्पाद का निर्माण होता है, साथ ही इनका जो कुल द्रव्यमान है वो संरक्षित रहता है। पदार्थों का कुल द्रव्यमान संरक्षित रहता है, जिसे हम द्रव्यमान संरक्षण का नियम कहते हैं। द्रव्यमान संरक्षण का नियम ये कहता है कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में न तो द्रव्यमान का क्षय होता है और न ही निर्माण होता है। जैसे अपन एक उदाहरण दे, एक अभिक्रिया कार्बन प्लस ऑक्सीजन से कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण हो रहा है। अब कार्बन से हो रहा है, अब इनकी अपन अणुभार निकालें तो जैसे कार्बन का परमाणु द्रव्यमान 12, ऑक्सीजन के दो परमाणु हैं तो 2 × इसका परमाणु द्रव्यमान 16। इसी प्रकार कार्बन 12 प्लस 2 और ये 16, यहाँ पर 12 प्लस 32 बराबर हो गए ये 44 ग्राम में। इसी प्रकार उत्पाद की देखें तो 12 प्लस 32 तो ये 44 ग्राम, यानी कुल द्रव्यमान इनका संरक्षित रहता है किसी भी रासायनिक अभिक्रिया होने में। तो ये कहलाता है द्रव्यमान संरक्षण का नियम, सभी अभिक्रियाओं में ये लागू होता है। अब अपन देखते हैं कि रासायनिक अभिक्रियाएं कितने प्रकार की होती है। रासायनिक अभिक्रियाओं में बंधों का निर्माण होता है, बंध टूटते हैं, संयोग करते हैं, उस आधार पर इनके कुछ प्रकार बताए गए हैं। तो यहाँ पर अपन प्रकार के बारे में अध्ययन करेंगे। तो पहला जो प्रकार आता है वो संयोजन अभिक्रिया। इसे संयुग्मन, योगशील या योगात्मक अभिक्रिया भी कहते हैं। अब इसमें क्या होता है कि ऐसी अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद बनाते हैं उसे संयोजन या संयुग्मन अभिक्रिया कहते हैं। यानी ऐसी अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं वे संयोजन अभिक्रिया कहलाती है। जैसे अब इसका उदाहरण अगर अपन ले कि ये एक अभिकारक ए दूसरा अभिकारक बी दोनों मिलकर ए बी एक अकेला उत्पाद बना रहे, या यूँ कहे कि जैसे ये एक पदार्थ है इसी प्रकार ये दूसरा पदार्थ, तो दोनों मिलकर
एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं तो वो कहलाती है संयोजन अभिक्रिया। अब अभिक्रिया अपन देखें कैसे होती है, जैसे इसके और उदाहरण अपन देखें तो पहला उदाहरण कार्बन का जो दहन होता है, ऑक्सीजन की उपस्थिति में दहन कराया जाता है तो कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। कार्बन और ऑक्सीजन दो अभिकारक हैं और एकल उत्पाद का निर्माण कर रहे हैं। इसी प्रकार मैग्नीशियम का जो दहन है, मैग्नीशियम रिबन को अपन जलाते हैं तो मैग्नीशियम ऑक्साइड एकल उत्पाद का निर्माण हो रहा है। तो ये मैग्नीशियम के फीता जो है उसका दहन करने पर ये एक श्वेत चूर्ण बनता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड, ये भी इसका उदाहरण है। इसी प्रकार अपन जैसे एथीन का हाइड्रोजनीकरण करते हैं, एथीन प्लस हाइड्रोजन दो उत्पाद हो गए, निकल उत्प्रेरक की उपस्थिति में ये अभिक्रिया संपन्न होती है और एथेन बनती है। तो ये तीन उदाहरण इस अभिक्रिया में, ऐसी अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद बनाते हैं वे संयोजन अभिक्रिया कहलाती है। उदाहरण कार्बन का दहन, मैग्नीशियम का दहन और एथेन का हाइड्रोजनीकरण। तो इसी प्रकार से अपन आगे जो भी अभिक्रियाएं हैं, जितने भी प्रकार हैं, उनको एक एक कर अपन अध्ययन करते जाएंगे। वो चीज़ें अपन अगले वीडियो में देखेंगे कि और कितने प्रकार हैं इसके रासायनिक अभिक्रियाओं के। धन्यवाद।